नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पोजी में। मेरा नाम है कुलदीप और आज की इस वीडियो में हम बात करने हैं वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि ज्वालामुखी क्या है। तो ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर एक कोई दरार या मुख होता है जिससे गर्म लावा और डस्ट और इसके साथ साथ बहुत सारी गैसेस बाहर आती हैं। कई बार ज्वालामुखी के फटने से जान और माल की हानि होती है, यानी कि जहाँ पर ज्वालामुखी फटता है वहाँ अगर आसपास लोग रह रहे हैं तो वहाँ के लोगों को बहुत सारा नुकसान होगा। बहुत सारे लोग उसमें लोगों की जान जा सकती है और साथ ही साथ उनके घरों में और साथ ही जो उनकी संपत्ति है उसका भी नुकसान हो सकता है। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा जिसे उन लोग मोल्टन मैग्मा भी कहते हैं, ये क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। दरअसल पत्थर जब पिघल जाता है तो यानी कि मोल्टन हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, तो उसको मैग्मा यानी कि लावा बोलते हैं जो कि ज्वालामुखी से निकलता है। दोस्तों ये बहुत ही आसान सा टॉपिक था जो मैंने आज आपको समझाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो वोल्केनो के बारे में जानना चाहते होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।